ये जो वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुद्दा और ये वीवीपैट, इन दोनों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक सिटीजन्स कमीशन की रिपोर्ट आई है जस्टिस लोकर के नेतृत्व में, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये मैनिपुलेट करे जा सकते हैं। ईवीएम कम से कम या तो हटाए जाएं, और या फिर अगर ईवीएम रहते हैं तो वीवीपैट का डिज़ाइन चेंज किया जाए। अभी लाइट जब बंद होती है उसके बाद उस वीवीपैट मशीन में क्या होता है, क्या चीज़ प्रिंट होती है, क्या सिग्नल कंट्रोल यूनिट में दिया जाता है, ये किसी को नहीं पता। हमारे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सरकार का तोता बना दिया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी करीब करीब यही हाल कर दिया है। सारे इंस्टीट्यूशंस को धाराशाही कर दिया है। देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से सिर्फ लोकतंत्र की ही नहीं, हमारे मौलिक अधिकारों की ही नहीं, हमारे जमहूरियत की ही नहीं, पर हमारी सभ्यता की ही हत्या करी जा रही है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। आपको बताया गया कि पार्लियामेंट में एक दिन में 170 लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता, इम्पॉर्टेंट बिल्स दो दो मिनट में पास कर दिए जाते हैं, मीडिया सरकार की प्रोपेगेंडा मशीन बन गई है, मेनस्ट्रीम मीडिया, ज़्यादातर मीडिया, न्यायपालिका भी चरमरा गई है, उसकी स्वतंत्रता चरमरा गई है। और हम देख रहे हैं कि चाहे उसका दायित्व है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना, इन सब चीज़ों की रोज़ हत्या हो रही है, लेकिन हमारी न्यायपालिका खामोश है। हमारे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सरकार का तोता बना दिया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी करीब करीब यही हाल कर दिया है। सारे इंस्टीट्यूशंस को धाराशाही कर दिया है। और सांप्रदायिकता, झूठ, नफरत सब फैलाई जा रही है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सियासत की वजह से फैलाई जा रही है। सवाल ये है कि हम क्या करें, ऐसे वक्त में हम क्या करें। देखिए मेरा ये मानना है कि आज वो वक्त आ गया है, अनफॉर्चुनेटली, जैसा बड़ा सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन 74 के दौर में हुआ, उसके बाद हाल में जब एंटी करप्शन, जिसको अन्ना मूवमेंट कहते हैं, उस समय हुआ, उस तरह का बड़ा सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन या मूवमेंट आज नहीं खड़ा हुआ और उसको खड़ा करने की ज़रूरत है। कुछ शॉर्ट टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में तो हमको सबसे पहले तो हमारा काम है कि कम से कम 24 में मोदी को रोकना। इसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है? सिविल सोसाइटी काफ़ी कुछ कर सकती है। सिविल सोसाइटी, जैसे मोहम्मद अदीब साहब ने बताया कि भाई हम लोग अगर इकट्ठा होकर और इन पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टियों को, पहली बात तो अगर सिविल सोसाइटी खड़ी होती है जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो ऑपोजिशन को भी उससे स्ट्रेंथ मिलती है। आज तो वो लोग बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि पिछले कई सालों में, क्योंकि चुनाव जो है पैसे का खेल बन गया है, तो सब लोगों को पैसे कमाने होते हैं, पैसे जुटाने होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उसके चलते हुए भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये लोग सब कमज़ोर हो गए हैं। और भाजपा उसी का फ़ायदा उठा रही है कि सेलेक्टिवली ये सारी एजेंसी इसको यूज़ कर रही है, जिसको भी दबाना होता है उनको दबाते हैं, इनको यूज़ करके अपने लोगों के ऊपर कुछ नहीं करते। जब लोग डिफेक्ट करके उनके पास आ जाते हैं तब सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ज़्यादातर ऑपोजिशन कमज़ोर हो गई है। हमको जो एक उम्मीद की किरण बिल्कुल साफ दिख रही है वो राहुल गांधी की शख्सियत में है। राहुल गांधी की मुझे ऐसी शख्सियत दिख रही है जो बिल्कुल एकदम रैमरॉड स्ट्रेट खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं, जो सही बात है वो बोल रहे हैं। लेकिन एक आदमी तो पूरा जमहूरियत को, अपनी पार्टी को ही नहीं बदल सकता, तो
सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं और खड़े हो जाएं, तो जैसे मोहम्मद अदीब साहब ने बताया, हम लोग ऑपोजिशन को भी स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, उनको एकजुट भी कर सकते हैं। वो काम सिविल सोसाइटी ज़्यादा अच्छा कर सकती है बजाय इन पॉलिटिकल पार्टियों के। दूसरी बात, ये ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो आज भी ये केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, अनफॉर्चुनेटली फिर से उन्होंने एडजर्न कर दिया और मार्च में थर्ड वीक में लगा दिया है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, ये जो वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुद्दा और ये वीवीपैट, इन दोनों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक सिटीजन्स कमीशन की रिपोर्ट आई है जस्टिस लोकर के नेतृत्व में, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये मैनिपुलेट करे जा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ईवीएम कम से कम या तो हटाए जाएं, और या फिर अगर ईवीएम रहते हैं तो वीवीपैट का डिज़ाइन चेंज किया जाए। अभी तो उसमें काला कांच लगा दिया है जिससे आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब नहीं जलता, और बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ उतनी देर के लिए कि आप अपनी स्लिप देख लें कि आपकी स्लिप प्रिंट हो गई है, लेकिन उसके बाद स्लिप कट के गिरती हुई नहीं दिखती आपको। और जब लाइट जब बंद होती है उसके बाद उस वीवीपैट मशीन में क्या होता है, क्या चीज़ प्रिंट होती है, क्या सिग्नल कंट्रोल यूनिट में दिया जाता है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर लोडेड है वो किसी को नहीं पता। ये सब भारत की जो कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सरकारी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, उनके हाथ में है ये चिप का जो डिज़ाइन है और उसमें सॉफ्टवेयर जो पड़ी हुई है। तो इसलिए हमको एक बड़ा आंदोलन, ये भी एक शॉर्ट टर्म ज़रूरत है। एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। उस आंदोलन में हमको शरीक होना चाहिए, उसमें अपनी मदद करनी चाहिए। तीसरी बात, देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया सरकार के हाथ में भले ही हो, लेकिन आज एक बड़ी भारी अल्टरनेट मीडिया खड़ी हो गई है, जो यूट्यूब पर है, जो इंटरनेट पर है, जो सोशल मीडिया पर है, और उसके ज़रिए हम सही बात, ये लोग देखिए ट्रोल आर्मी इन्होंने बना रखी है, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम लोग वॉलंटियर आर्मी सोशल मीडिया पर बनाकर दूसरा काम कर सकते हैं कि सच फैलाएं, प्यार बांटें बजाय नफरत फैलने। और सही, ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ के झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर नफरत फैलाते हैं, हमको सही इतिहास बताने की ज़रूरत है। ये काम भी सिविल सोसाइटी आसानी से कर सकती है, हम लोगों को बस ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। एक बड़ा आंदोलन इस समय बेरोज़गारी के ऊपर शुरू किया जा सकता है, जिसका जिसके जिसका नेतृत्व यूथ को करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ जो है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के इशू से प्रभावित है। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे कि एंटी करप्शन का आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन आज बेरोज़गारी के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। और क्योंकि ये मोदी सरकार ज़्यादा ज़िम्मेदार है इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इसलिए इनको पॉलिटिकल चोट उस आंदोलन की ज़रूर महसूस होगी, जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट की पॉलिटिकल चोट उस समय कांग्रेस को महसूस हुई थी। तो ये भी काम सिविल सोसाइटी का है और हम लोग को करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का है। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म काम है, देखिए जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम लोगों ने 2019 में एक छोटी सी बुकलेट निकाली थी, रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञों ने आकर एक क्या पॉलिसीज हम लोगों की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जुडिशल रिफॉर्म्स की, पुलिस रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की क्या क्या होनी चाहिए, वो सब उसमें दी थी। उसको और रिफाइन किया जा सकता है, ये लॉन्ग टर्म का काम है। हम लोगों को सिविल सोसाइटी का ये काम है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह का एक रोड मैप निकाले, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम से कम ऑपोजिशन पार्टीज़, उनको बाध्य करें कि भाई आप लोग इसको मैनिफेस्टो में डालिए और इसको मानिए।
राहुल गांधी वो बात सब कुछ कर रहे हैं जो हम लोगों ने 2019 में अपने रिक्लेमिंग द रिपब्लिक वाले मैनिफेस्टो में लिखी थी। लेकिन सबको करनी चाहिए, सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को उसके ऊपर खड़ा करना चाहिए, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म ज़रूरत है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमको एक सिविल सोसाइटी को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, एक बड़ा मूवमेंट सिविल सोसाइटी का बनाना पड़ेगा। और एक तो खैर ये कम्युनलिज्म वाला बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अपने सोशल मीडिया टीम को यूज़ करें इस नफ़रत को काटने के लिए, प्यार बांटने के लिए, असली इतिहास बताने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग जो एक ये कम्युनल हारमोनी काउंसिल्स बनाए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो मशहूर लोग हैं अलग अलग सांप्रदाय के, जो जिनको लोग मानते हैं, उन लोगों को हम इकट्ठा करें और उनके दो काम हो। पहला काम तो ये हो कि भाई जो इस तरह के फंक्शंस हैं जिसमें कि सारे कौमों के लोगों को बुलाकर सेलिब्रेट किया जा सकता है, वो काम करें। दूसरी बात, जहाँ जहाँ उनको दिखे कि भाई कोई दंगा करने वाले लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या उन्होंने कुछ किया है, तो उस पर सबसे पहले तो लोगों को और पुलिस को आगाह करें और उसके बाद फिर उनके खिलाफ FIRs फाइल करें, उनका प्रोसिक्यूशन वगैरह करवाएं जिन्होंने दंगा करवाया है। तो ये सब काम भी सिविल सोसाइटी का है और हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग कई बार ये अज्यूम करते हैं कि वे पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी और जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी तो सिविल सोसाइटी नहीं बाहर आती, लेकिन हमको इसको रिवर्स करना है। सिविल सोसाइटी को इसके आगे रहना है और पॉलिटिकल पार्टियां आप देखेंगे कि पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि वो अभी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। जब हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स वगैरह जब हम लोग करवा लेंगे, तब हो सकता है एक बार फिर से हमारी जो पॉलिटी है वो स्ट्रेंथन हो और पॉलिटिकल पार्टियां भी स्ट्रेंथन हो जाए। तो लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हम लोगों को मिलकर ऑर्गेनाइज होकर एक बड़ा सिविल सोसाइटी, एक नहीं मतलब कई बड़े सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इस देश में खड़े करने हैं और वो कैंपेन्स करनी हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया।